अस्सलाम वालेकुम रफीक के जाके मैं आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चाइना ग्रास हलवा जो दूध से बनता है। तो बहुत ही सिंपल है और लोग बहुत पसंद करते हैं और बच्चों को तो खास करके क्योंकि जेली टाइप हो जाता है तो इसके लिए उसमें एक खासियत है, बाकी ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। हमने इलायची पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून और 1 किलो हमने शक्कर लिया है। 12 लीटर दूध हमने लिया है तो 90 ग्राम के हिसाब से 1 किलो 80 ग्राम होता है, लेकिन 80 ग्राम भी हमने निकाल दिया है, यानी 1 किलो शक्कर लिया है और 12 लीटर दूध लिया है। और ये रहा हमारा चाइना ग्रास, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो चाइना ग्रास है, देख सकते हैं, इसका कंपनी भी देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं चाइना ग्रास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 8 ग्राम का एक पैकेट है और एक पैकेट आप आधा लीटर दूध में डाल सकते हैं। तो पहले हम दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए, तब इसको हम ओपन करते हैं। तो इसे रख देते हैं, धीरे धीरे गर्म होते रहेगा और अब हम पैकेट ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकलता है। ये एक पैकेट 8 ग्राम की है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसको क्या करेंगे, पानी रखा है हमने, पानी में पहले इसको हम डाल देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने भिगा दिया है, जब हमें इसे गर्म करेंगे तो थोड़ा इसको एक बार हम पानी इसका फेंक देंगे तो जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और दूसरी चीज की ये फट जाने का भी डर रहता है अगर इसे उसी पानी में अगर पका लेंगे। तो दूध हमारा दोस्तों देख सकते हैं गर्म हो रहा है, बढ़िया से उबाल मार रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं शक्कर। तो शक्कर आ गया हमारा 1 किलो। अब इसे खाली मेल्ट कर देंगे, इसके अंदर गल जाए हमारा शक्कर। घुल जाने के बाद में 1-3 मिनट इसे हम पकाएंगे और उसके बाद इसका गैस हम बंद कर देंगे। अब गैस हम इसका बंद कर देते हैं। तो अब इसको भी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पानी चेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका दूध फट भी जाए, तो इस वजह से हमने पानी उसका चेंज कर दिया है। दूसरा पानी में हमने इसको रख दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम लिक्विड फॉर्म में है, पूरा एकदम मेल्ट हो गया है। तो अब इसको हम गैस बंद करते हैं। तो दोस्तों दूध तो हमने पहले ही आपको बताया था कि हमने बंद कर दिया है और चाइना ग्रास को भी हमने लिक्विड फॉर्म में कर लिया है, वो भी रेडी हो गया है। अब 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे, किसमें, दूध के अंदर, और इसे मिक्स कर देंगे। और गैस हमने नहीं जलाया है, गैस बंद किया था उसके बाद हमने गैस जलाया बिल्कुल भी नहीं है। अब लिक्विड हम इसके अंदर डाल देते हैं और ध्यान रहे कि अगर ज्यादा गर्म करोगे उसके बाद में अगर डालते हो तो दूध फट भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज और भी है, अगर आपका दूध फट जाए तो थोड़ा सा साइड में आप सोडा रखिए और उसके अंदर डाल दें, फिर से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम धीरे धीरे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, गैस तो हमने बंद रखा ही है। अब ये जैसे ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसको ट्रे के अंदर डालकर और जमा देंगे। तो ट्रे के अंदर डाल देते हैं जिसमें आपको जमाना हो। अब ये दूध हमारा गर्म है लेकिन ट्रे के अंदर जब डालेंगे तो कुछ देर बाद ही जाके ठंडा होगा।
तो दोस्तों हमने डाल दिया है ट्रे के अंदर और अब इसे हम रखेंगे बाहर कम से कम 1 से 2 घंटा तक के, ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर इसको हम फ्रिज में डालेंगे। मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा हमें चाहिए, 4 घंटा तो चाहिए, तो फिर जम जाएगा, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। रेडी हो गया है हलवा हमारा, तब उसको कटिंग कर देते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम चारों साइड छुड़ा देंगे। और जैसे कि मुंबई में मलाई वगैरह नहीं बिकता है, बस सेम उस तरह एकदम आपको लगेगा। तो हो गया रेडी, ये रहा हलवा हमारा। करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें पहली फुर्सत में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।